हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि आप कह सकते हैं कि ये सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसका नाम है जोल्टा। आपको पता होगा और काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार जोल्टा का भी आप रिव्यू करें, उसकी वीडियो बनाएं, तो जोल्टा बस रह गई थी, तो मैंने बोला इसकी भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, जोल्टा इलेक्ट्रिक है, ये JE70D स्पेशल एडिशन है। अच्छा, ये देखें कि आप बाइक जो है ना, वही सेम 70 स्टाइल में, इसका जो आप बीच वाला ये कवर देखेंगे, इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बल्कि आपको दूर से नज़र आ जाता है कि जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का लोगो भी बना हुआ है, यहाँ से आपकी ये चार्ज होगी। अच्छा, कितने टाइम में चार्ज हो जाएगी फुल? 4 से 5 घंटे। भैया, ये 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज होगी, ठीक है। अच्छा, टॉप स्पीड ही है इसकी जो है ना, 60 to 65 मेरे ख्याल से इसकी टॉप स्पीड है। मीटर में आप देख सकते हैं कि 80 टॉप इसकी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा इसके कि कितने परसेंट चार्ज है। अभी ये 75% चार्ज है, तो आपको यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी, समझ लें 100% चार्ज है। 3 मोड्स हैं बेसिकली इसके, स्पीड के मोड हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये जो थर्ड मोड है, इसमें आपकी मैक्सिमम आउटपुट पर जो है ना बाइक चलेगी। और यहाँ पर लाइट्स भी देख सकते हैं आप, अंदर लिखा है जोल्टा इलेक्ट्रिक, ये इसका ऑडोमीटर है आपका, सही है। बाकी आप देखें तो ईवी और यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स का आपको शो हो जाएगा, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो। बाकी इंडिकेटर्स भी आपको मैं जला के दिखा देता हूँ, उसकी हेडलाइट। अच्छा, इंडिकेटर्स की आप देख सकते हैं क्वालिटी इनकी। बाकी हेडलाइट्स स्टैनले की हेडलाइट्स के अंदर इंस्टॉल्ड है, जोल्टा की फ्रंट पे बैज है, सिल्वर कलर में इसके जो है ना सारे मडगार्ड वगैरह हैं। भाई साइड पे हैं तो उसकी जो ग्राफिक्स हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं, ग्रीन ग्रीन और येलो का ज़्यादा यूज़ किया गया, ग्रीन शो करवाता है कि यार वो है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है, गो ग्रीन जिस तरह। ओके, तो अच्छा, इसकी गाइस जो मोटर है वो 1000 वाट की इसकी मोटर है, ठीक है। और बाकी आप देखें तो पीछे इसके फुटर्स वगैरह, ये जम सस्पेंशन और स्पोक्स, व्हील अलॉय व्हील्स है इसके, अलॉय व्हील्स नहीं, स्पोक्स हैं, ठीक है। ड्रम ब्रेक्स आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी करीब से दिखाने का मकसद ये इसकी आप क्वालिटी देख सकें, ये क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी है क्वालिटी। बाकी इसकी दोनों ये ब्रेक्स होती हैं, फ्रंट और रियर ब्रेक। रियर ब्रेक आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है। बाकी सीट की अगर बात करें तो सीट जो है सही है, सॉफ्ट सीट है, केरियल सिल्वर कलर में केरियल दिया गया है। पीछे भी इसकी आपको मैं लाइट दिखाता चलूँ तो ये लाइट है, और ये मोटर की फिनिशिंग वगैरह सारी आप देख सकते हैं। बाकी इस प्राइस की बात करें तो 1,30,000 रुपये बाइक की प्राइस है, 5,000 रुपये जो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह की कॉस्ट आती है वो 5,000 रुपये, तकरीबन 1,35,000 रुपये की आपको पड़ जाएगी, ठीक है। बाकी ड्राइजल बैटरी है इसके अंदर, वो सेम बैटरी इससे पहले मैंने आपको लिए वीडियो बनाई थी जोल्टा की इलेक्ट्रिक स्कूटी की, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जोल्टा की इलेक्ट्रिक बाइक का भी वीडियो देख सकते हैं, वो फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसमें उसके अंदर भी ड्राइजल बैटरी थी, इसकी जो लाइफ होती है ड्राइजल बैटरी की वो तकरीबन मैक्सिमम 2 साल तक होती है, और इसकी जो बैटरी की वारंटी दे रहे हैं ये लोग वो दे रहे हैं तकरीबन 3 महीने, ठीक है, और जो मोटर की है वो तकरीबन 6 महीने। बाकी जो इसकी लाइफ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 साल तक होती है ड्राइजल बैटरी की लाइफ। अच्छा, इसके अंदर वो अगर बैटरी अगर लगवाना चाहे लिथियम वाली लग सकती है, ये एक ही ऑप्शन है ये ड्राइजल का। अच्छा, तो ये वो ऑप्शनल है, अगर आप इसमें लिथियम लगवाना चाहते हैं, अच्छी बैटरी लगवाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, उसके एक्स्ट्रा जो है ना डिफरेंस पे करके आप लिथियम भी लगवा सकते हैं। बाकी अगर इसकी मेन चीज़ की बात करें वो है इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज, कि ये रेंज कितनी देती है, तो मैक्सिमम ये तकरीबन 70 से 80 सर देती है ना, 70 से 80 किलोमीटर की रेंज, हाँ 70 से 80 ना, तो 70 से 80 किलोमीटर की ये रेंज देगी, डिपेंड ऑन योर हैबिट, आप किस तरह इसको ड्राइव करते हैं, किस मोड पर इसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये मैंने सोचा कि यार आपको इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बताई जाए और आपको दिखाया जाए कि ये दिखने में कैसी है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। प्राइस भी मैंने आपको बता दी, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़,
कि अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप आ सकते हैं मुनीब एंड को, आप देख सकते हैं मुनीब एंड को, ये भी अकबर रोड पे है सदर में। तो यहाँ पे आके अगर आप आते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिस तरह तारिक भाई ने आपको बताया था। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं आपके लिए, जिस तरह आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई, नॉर्मल बाइक्स हो गई, उसके अलावा जो कार्स होती हैं उनकी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और साथ ही साथ आपने मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लेना है, और कोशिश करें जितना हो सके सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। बाकी अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की वीडियो देखना चाहते हैं जोल्टा की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।